नमस्ते चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 28। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। चैप्टर का नाम है लिंग, चैप्टर नंबर 6। यस रित, व्हाट हैपेंड? ओके रित, बट आई हैव नॉट डन। जस्ट वेट, लिसन टू मी। ओके, वेरी गुड इफ यू हैव डन। लोअर योर हैंड रित। नाउ सी लिंग, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है लिंग। लिंग को हम कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं लिंग को? लिंग को हम कहते हैं जेंडर। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति से संबंध रखता है या पुरुष जाति से, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से, जिस रूप से वह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति से संबंध रखता है या पुरुष जाति से, जिस शब्द से ये बोध हो कि वह स्त्री रूप है या पुरुष, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुलिंग। स्त्रीलिंग, पुलिंग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैस्कुलिन जेंडर। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग होते हैं, जैसे लड़का, मुर्गा आदि। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ये सारे आते हैं पुलिंग में। ठीक है, लड़का, मुर्गा, ये सारे शब्द आते हैं पुलिंग में। जिस शब्द से, जिस पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग हम इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर को कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि लड़की। लड़की क्या बोध कराती है? कि एक स्त्री है। मुर्गी, तो ये सारे क्या हुए? स्त्रीलिंग। याद रखिए, हिंदी में लिंग निर्धारण निर्जीव वस्तुओं का भी होता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स का लिंग होता है, उसी तरह निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है, जैसे कि डंडा, डंडी। ठीक है, डंडा, डंडी। यहाँ डंडा पुलिंग है तथा डंडी स्त्रीलिंग है। ओके, सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द। अब हम क्या पढ़ेंगे? सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सदैव पुलिंग रहते हैं, जैसे देशों के नाम। देशों के नाम में क्या क्या आएगा? भारत, रूस, चीन, जापान, नेपाल आदि। तो ये सारे शब्द क्या है? ये सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द हैं, देशों के नाम। ठीक है, देशों के नाम। और सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द क्या होते हैं? महीनों के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख आदि। ठीक है, और सदैव जो दिनों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ये सदैव पुलिंग रहेंगे, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, प्रदेशों के नाम पे अगर हम आए तो क्या होता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि। ये सब क्या है? ये सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द हैं, ये सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द हैं। और अगर हम देखेंगे तो सदैव पुलिंग रहने वाले शब्दों में आता है ग्रहों के नाम, जैसे कि मंगल, शुक्र, बृहस्पति आदि। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? पुलिंग शब्द में आते हैं, ग्रहों के नाम। नंबर 6 आता है पर्वतों, समुद्रों के नाम, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, अरावली, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। ये सारे क्या हैं? ये सारे पर्वतों और समुद्रों के नाम पुलिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, पुलिंग में आते हैं। अब हम देखेंगे कि धातुओं, खनिजों के नाम, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, स्टील, पीतल आदि। ये सारे पुलिंग में आते हैं। फलों के नाम में से कौन से नाम पुलिंग में आते हैं? बेर, आम, केला, संतरा, पपीता आदि। ये सब क्या है? सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द। ठीक है, फलों में क्या क्या है? बेर, आम, केला, संतरा, पपीता आदि, ये सारे पुलिंग में आते हैं। ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द क्या हैं? जैसे कि नदियों के नाम। नदियों के नाम में क्या क्या आएंगे सदैव पुलिंग स्त्रीलिंग रहने वाले?
जैसे जो हमेशा स्त्रीलिंग के नाम से जाने जाते हैं, इसे कोई बदल नहीं सकता, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, गोमती, कृष्णा आदि, ये सारे क्या है, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। तिथियों के नाम जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी आदि, ठीक है। स्त्रीलिंग में भाषाओं के नाम जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, उर्दू, रोमन आदि, ये सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। खेलों के नाम, खेलों के नाम में स्त्रीलिंग कौन से शब्द होंगे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी आदि। झीलों के नाम जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं वो क्या क्या है, सांभर, डल, वुलर आदि, ये सब क्या है, झीलों के नाम, और ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, आउट, आहट, या, ई, त, ट, नी, ली, प्रयत्न लगे हो, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि बुराई, बुराई किसमें आएगी, स्त्रीलिंग में, भलाई, भलाई भी स्त्रीलिंग, गहराई, गहराई भी स्त्रीलिंग, मलाई, बनावट, मुस्कुराहट, घबराहट, डिबिया, बोली, रंगत, चटनी, सुतली इत्यादि। तो ये सारे किसमें आएंगे, ये सारे शब्द भी स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे कि बुराई, ये बुराई का काम हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं ना, इस बुराई का, इस बुराई के काम को छोड़ दो, इसमें बुराई है, बुराई का फल हमेशा खराब होता है। और भलाई, भलाई किसमें आती है, भलाई भी स्त्रीलिंग में, ठीक है। गहराई, मलाई, बनावट, मुस्कुराहट, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो मुस्कुराहट किसमें आता है, स्त्रीलिंग में। घबराहट, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो घबराहट भी स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। डिबिया, बोली, रंगत, चटनी, सुतली इत्यादि, तो ये सारे शब्द किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में, ठीक है। सारे शब्द किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में, यस। अरहद नाउ बताओ, स्त्रीलिंग लिंग किसे कहते हैं, लिंग शब्द के जिस रूप ये से यह पता चले कि वह शब्द की जाति है से संबंध रखता है या पुरुष जाति से, उसे लिंग कहते हैं। वेरी गुड अरहद, वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। यस प्रियम। हेलो मैम, আমাদের ফোনে 19% চার্জ আছে, এখন থেকে দেখে দিচ্ছে ব্যাটারি স্লো। ওকে, ইউ চার্জ ইট, কিপ দ্য চার্জিং অন। ওকে প্রিয়াম, ম্যাম নেট চলে চার্জ করবো? ইয়েস ইয়েস, ইউ ক্যান চার্জ ইট। ওকে ম্যাম, ওকে, ফিক্স দ্য চার্জার এন্ড দেন ইউ কন্টিনিউ ইয়োর ক্লাস, ওকে। ओके, सो लिंग कितने प्रकार के होते हैं रित, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और वो कौन से दो प्रकार? एक पुलिंग और एक स्त्रीलिंग। वेरी गुड रित, वेरी गुड। ओके, म्यूट योरसेल्फ। यस यस अरित्रिका, पुलिंग किसे कहते हैं, पुलिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग होता है, होते हैं, जैसे लड़का, मुर्गा आदि। वेरी गुड, वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। ओके यस विनीत, विनीत टेल मी, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को, बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि बताओ एग्जाम्पल। लड़की, जैसे कि लड़की, मुर्गी, मुर्गी आदि। ओके
यस अनिंदिया एंड अभिनवा. ओके सुनीत सुनीत वेरी गुड. यस मैम. बताओ लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं. क्या होते हैं वो? वो पुलिंग और स्त्रीलिंग. यस पुलिंग किसे कहते हैं? पुलिंग पुरुष जाति का भोग कराने वाले शब्दों को पुलिंग कहते हैं. और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं अभिनवा? स्त्री जाति का भोग कराने वाले शब्द सब स्त्रीलिंग होते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. यस प्रियम सदैव स्त्री रहने वाले शब्द कौन से होते हैं? सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द. सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द कौन से होंगे? व्हाट मैम सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि देशों के नाम. देशों के नाम में कौन कौन से आते हैं? अहर्निश यू टेल. जापान. जापान. नेपाल. भारत. वेरी गुड वेरी गुड प्रियम. ओके यस सेरिन सदैव पुलिंग रहने वाले महीनों के नाम कौन से हैं? सदैव पुलिंग रहने वाले महीनों के नाम कौन से हैं? अभी अभी मैंने पढ़ाया था ना. हाँ बताओ. सदैव पुलिंग रहने वाले शब्द पेज नंबर 28. देखो महीनों के नाम क्या क्या होते हैं. महीनों के नाम जिसको हम पुलिंग जो पुलिंग शब्द में आते हैं लाइक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चैत्र वैशाख आदि. ठीक है. ओके चिल्ड्रन म्यूट एवरीवन. All of you mute yourself. Okay. Now see children, लिंग परिवर्तन. लिंग परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? चेंज द जेंडर. पुलिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम निम्नलिखित हैं. Yes, Arhad, what happened? Ma'am, I have some doubt. Yes, tell me. प्रदेशों के नाम मीन स्टेट के नाम. स्टेट्स के नाम क्या है? जैसे कि उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान आदि. ठीक है स्टेट्स के नाम. ओके धातुओं मीन्स जो मेटल्स होते हैं. मेटल्स वो क्या क्या होते हैं जिस जो पुलिंग में आते हैं? जैसे कि लोहा पुलिंग में आएगा, सोना तांबा स्टील पीतल आदि. ठीक है. एंड खनिज. द मीनिंग्स आर सेम मेटल्स. ओके मेटल्स एंड रॉ मटेरियल्स. ओके तिथियों के नाम मीन्स प्रथमा द्वितीया तृतीया ये डेट्स होते हैं. ठीक है ये तिथियों के नाम होते हैं. डेट्स इस डेट्स में ये सब होते हैं. तृतीया षष्ठी प्रथमा द्वितीया. ओके झीलों के नाम. झीलों मीन्स लेक्स. लेक्स के नाम. लेक्स कौन कौन से लेक्स हैं? सांबर डल लेक जो कश्मीर में है बुलर लेक. ओके लाइक दिस. ओके अरहद. ओके म्यूट योर. ओके यस अरहद आई कांट हियर यू. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. विच वन अरहद? जिन इनके अतिरिक्त पढ़कर बताओ. इनके अतिरिक्त इनके यस मैम इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में जैसे इनके अतिरिक्त इनके अलावा भी जिन शब्दों के अंत में जैसे अंत में मीन्स लास्ट में आखिरी में आई आउट आहट ईआर
बड़ी ई ता टा नी ली प्रयत्न लगे हो, ये सारे अक्षर या शब्द लगे हो, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि बुराई, बुराई के अंत में क्या लगा हुआ है, बड़ी ई। भलाई, भलाई के अंत में भी बड़ी ई लगी हुई है। गहराई, मलाई, बनावट, ठीक है, बनावट। मुस्कुराहट, घबराहट, टाटा लगा हुआ है। डिबिया, बोली, रंगत, चटनी, सुतली इत्यादि, ये तो सारे किस में आ गए, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं, ठीक है। नौसी, ऑल ऑफ यू, यस अरहर, डिबिया, 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 डिबिया मीन्स छोटे से स्मॉल बॉक्स को डिबिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ओके, नाउ यू म्यूट योरसेल्फ। यस तफीम, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उर्दू? यस उर्दू। तफीम व्हाट? मैम वुलर, वुलर, ये सारी लेक्स के नाम है, ठीक है। सांबर, डल, वुलर, ये लेक्स के नाम है, झीलों के नाम, जिसे झील कहते हैं। ओके ओके मैम, पानी से भरा हुआ झील। ओके, यस शहजाद, यस शहजाद अल हबीब। मैम, यस, आई हैव जस्ट जॉइन नाउ, यू आर सो लेट शहजाद। कनेक्शन, नेटवर्क प्रॉब्लम? यस मैम, there was so network problem that I cannot join it. Okay, okay. It was continuously. But always try to join. Okay, in time, on time. Always try to join on time. Okay. Okay, mute yourself. You follow the screen, and I will upload the video. Then you follow the video. Okay. Yes, Anindya and Abhinava. What is the rangat? Rangat means color. ठीक है, कलर को हम रंगत कहते हैं। जैसे तुम्हारे फेस का कलर क्या है बताओ, विटिश। ओके, विटिश कलर, सो हम इसे रंगत कहेंगे, ठीक है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। नौसी, लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ जेंडर। पुलिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम निम्नलिखित हैं, जैसे कि अंतिम अ या आ को ई में बदलकर कैसे लिखते हैं। जैसे पुलिंग देखो, यहाँ पर पुत्र, यहाँ पर क्या है, पुत्र, उसे हम स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, पुत्री, मामा, मामी, ठीक है, चाचा, चाची, मुर्गा, मुर्गी, तो ये सारे किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में। पुलिंग को हम कैसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे, पुत्र का पुत्री हो जाता है, मामा मामी, चाचा चाची, मुर्गा मुर्गी। यहाँ पर देखो, लड़का लड़की, लड़का किस में आता है, पुलिंग है लड़का, मगर अगर उसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, लड़की। दादा दादी, बकरा बकरी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ये पुरुष जाति में, लड़का दादा बकरा ब्राह्मण, और ये सारे किस में आ जाते हैं, स्त्री जाति में, लड़की दादी बकरी ब्राह्मणी। ओके, यस अनिंदिया एंड अभिनवा। ब्राह्मण, ब्राह्मण ये कास्ट है, ठीक है, ब्राह्मण कास्ट है ये, ब्राह्मण ब्राह्मणी। ओके ओके, ये अब देखो, अंतिम आ को आ में बदलकर कैसे लिखते हैं, अंतिम आ को, छात्र छात्रा, ठीक है, छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, प्रिय प्रिया, बाल बाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, शिष्य शिष्या, सुत सूता, कृष्ण कृष्णा, आत्मज आत्मजा, ठीक है, आत्मज आत्मजा। तो ये सारे शब्द किस में आते हैं, पुलिंग से हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं, ठीक है।
इसी तरह हम पुलिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं. ऑल ऑफ यू टर्न द पेज. अब देखो हम अंतिम अक को इका करके कैसे करेंगे. ठीक है, अंतिम अक को इका करके पुलिंग, जैसे पाठक. ठीक है, पाठक, ये इसमें क्या आ रहा है, अंतिम अक. अब हम इसे इका कैसे करेंगे, पाठिका, पाठिका. पाठक का क्या हो जाएगा, पाठिका. सेवक, सेवक, सेविका. सेवक, सेविका. लेखक, लेखिका. धावक, धाविका. ओके, उसी तरह हम Just wait, children. Yes, what happened, Tafi? Ma'am, what is the meaning of dhavak? Dhavak means धोबी. ठीक है, धावक धोबी को कहते हैं जो कपड़ा धोते हैं. ठीक है, ओके. वो धोबी किस में आता है, पुलिंग. ठीक है, और धाविका क्या होगी, स्त्रीलिंग. ओके, यस शहजाद. यस शहजाद, आई कांट हियर यू. What is the meaning of part? Pathak, Pathika, chapter, okay? Means? Pathak का मतलब है reader, जो read करते, करने वाले को reader को कहते हैं पाठक. पाठिका उसका स्त्रीलिंग होता है. ठीक है, हम reader को कहते हैं पाठक, पढ़ने वाला. ठीक है, जो पढ़ता है, जैसे मैं अभी read कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, पाठक. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ. ओके मैम. ओके, अब हम देखेंगे पुलिंग, जैसे गायक. गायक का क्या हो जाएगा, गायिका, सिंगर. ठीक है, लेडी सिंगर. तो गायक क्या होते हैं, पुलिंग. लेकिन स्त्रीलिंग में जब हम बदलेंगे तो लिखेंगे गायिका. नायक, नायिका. बालक, बालिका. अध्यापक, अध्यापिका. ओके, यस अरहद, व्हाट हैपेंड मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवक. वेरी, सेवक, सेवक, सेविका. सेवक मींस जो आप काम करते हैं. ठीक है, जो काम करते हैं उन्हें सेवक कहते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, काम करते हैं. सेविका. धावक, धावक हम धोबी को कहते हैं, धोबी को. ठीक है, धावक, जो पुलिंग में धावक. और अगर लेडीज होगी तो उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग में धाविका. ओके, ओके मैम. नाउ सी हियर, शब्द के अंत में नी जोड़कर कैसे लिखते हैं. शब्द के अंत में हम अगर नी जोड़ेंगे तो वो भी स्त्रीलिंग में हम कैसे बदलेंगे, मैं अभी दिखा रही हूँ. जैसे मोर, मोर है पुलिंग, लेकिन अगर हम नी जोड़ेंगे तो मोरनी, वो आ जाएगा स्त्रीलिंग में. मोर का मोरनी, चोर का चोरिनी, भील का भीलिनी. ओके, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. कैन यू हियर मी एवरीवन. भील, भीलिनी. ओके, ये शहजाद. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भील. भील, भील. एक जाति है वो जो अन्य वन्य क्षेत्र में रहती है. ठीक है, भील उसे क्या कहते हैं, भील. वन में रहती है, जंगल में. ठीक है, भील, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, भीलिनी. मैं नायक,
नायक मींस जो एक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं नायक, एक्ट्रेस को कहेंगे नायिका, जो ड्रामा करते हैं, ठीक है। नौसी शब्द के अंत में आनी जोड़कर, जब हम आनी जोड़ते हैं, जब हम आनी जोड़ते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, पुलिंग को नौकर, लेकिन आनी अगर हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, नौकरानी, नौकर का नौकरानी। देवर पुलिंग में आएगा देवर, लेकिन स्त्रीलिंग में देवरानी। पुलिंग में जेठ मगर स्त्रीलिंग में जेठानी, ठीक है। अब हम पुलिंग में और देखेंगे शब्द, जैसे सेठ, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठानी। क्षेत्रीय क्षेत्रानी, क्षत्रिय क्षत्रानी, चौधरी चौधरानी, ओके। अब शब्द के अंत में इन जोड़ते हैं, जब हम इन ई ना इन, पुलिंग में जैसे मालिक है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, मालकिन, माली मालिन, धोबी धोबिन। अब हम देखेंगे पुलिंग में जैसे पापी है तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, पापिन, नाई नाइन, तेली तेलिन। तत्सम शब्दों के मान और वान, जैसे कि मान और वान, ठीक है, को क्रमश मति वती करके कैसे जोड़ते हैं, जैसे श्रीमान, यहाँ क्या है, श्रीमान। तो हम उसे जब स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या जोड़ेंगे, मति या वती, श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, रूपवान रूपवती। जब पुलिंग में रहेगा तो रूपवान, लेकिन जब स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो रूपवती। गुणवान, जैसे गुणवान है तो उसे हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, गुणवती। बलवान बलवती, भगवान भगवती, ठीक है। ये सारे इसी तरह से हम स्त्रीलिंग को, पुलिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, ठीक है। यस तफीम, यस टेल मी, यस अरहद, व्हाट हैपेंड, मैम आई हैव एक्सेल अगेन सम डाउट्स, यस टेल मी, व्हाट द मीनिंग ऑफ भील, भील 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 एक वन में रहने वाला एक जाति है, ठीक है, वो वन में रहता है जंगल में, से भील कहते हैं। सिंह सिन्ही, शेर लायन को हम सिंह कहते हैं, और सिन्हनी उसका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। शेर शेर शेरनी, ऊंट ऊटनी, यस। देवर, यस अरहत, व्हाट यू सेइंग, देवर 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 कहते हैं पापा के, जैसे तुम्हारी मम्मी, ठीक है, मम्मी के, तुम्हारे जैसे चाचा क्या हुए, देवर, ठीक है, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे चाचा तुम्हारी मम्मी के हुए देवर, ओके। क्षत्रिय 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 क्षत्रानी, सोल्जर्स को कहते हैं क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय क्षत्रानी, यस मैम, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सप्ता पढ़ना, मैम मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एली, यस मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षत्रिय, एली, यस जस्ट वेट, तेली तेली मीनिंग, यस मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय, यस मैम प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तेली, तेली मीन्स जिसकी लकड़ी लाल और मजबूत होती है उसको हम तेली कहते हैं, ठीक है, तेलिन तेली तेलिन, ओके ओके। एंड जेठ 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 मीन्स
जो फादर से बड़े होते हैं और तुम्हारी मम्मी के वो क्या हुए, जेठ। ओके, तुम्हारे फादर से जो बड़े भाई होंगे उन्हें तुम्हारी मम्मी के वो जेठ होंगे, ठीक है। ओके, इट ऑल कम्स इन द रिलेशन। ओके, यस। Yes. Ma'am, Bengali meaning Deo. Yes. Yes, Devar. Okay. You can ask to your mother, she will tell you. Okay. What do you say in Bengali? Okay. क्षत्रिय हम योद्धा को कहते हैं, योद्धा क्षत्रिय। ओके, चौधरी चौधरी चौधराइन चौधरानी। चौधरी का मीनिंग क्या है? चौधरी मीन्स जो हेड होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें चौधरी कहते हैं, ठीक है, चौधरी। ओके मैम। नाई, नाई मीन्स जो हेयर कट करते हैं उन्हें नाई कहते हैं, ठीक है, बार्बर। तेली, तेली अभी मैंने बताया था ना, जस्ट नाउ आई सेड यू। श्रीमान, तेली किसे कहते हैं? हिंदुओं की एक जाति है जो तेल का व्यापार करती है, उसे क्या कहते हैं? तेली। ओके, यस मैम। जो तेल का व्यापार करते हैं उसे तेली कहते हैं। यस मैम। एंड श्रीमान, श्रीमान श्रीमती, जैसे मिस्टर मिसेस उन्हें कहते हैं श्रीमान श्रीमती। ओके, पुत्रवान पुत्रवान, पुत्र जो लड़का होता है उसे पुत्रवान कहते हैं, और पुत्रवती जो लड़की होती है उसे गर्ल को पुत्रवती कहते हैं। ओके, पुत्री भी कहते हैं, पुत्रवान भी कहते हैं, ठीक है। एंड रूपवान, रूपवान मीन्स जो रूप, जिसका रूप अच्छा होता है उसे रूपवान कहते हैं, जिस लड़के का, ठीक है, जो सुंदर होता है, और जो लड़की सुंदर होती है जिसका रूप अच्छा होता है उसे रूपवती कहते हैं। ओके मैम। एंड गुणवान, गुणवान जिस जो क्वालिटीज एट्रीब्यूट से भरा हो उसे हम गुणवान कहते हैं, ठीक है। और गुणवती किसे कहते हैं? वो जो लड़का अगर अच्छी क्वालिटी और एट्रीब्यूट से भरे हो उस लड़के को गुणवान कहेंगे, लेकिन जो लड़की अच्छे एट्रीब्यूट एंड क्वालिटीज से भरी हो उसे गुणवती कहते हैं। ओके ओके मैम। एंड बलवान, बलवान जो ताकतवर, लड़का जो ताकतवर होता है उसे बलवान कहते हैं, और जो लड़की ताकतवर होती है उसे बलवती कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, नो मोर डाउट। ओके, ये सबका पढ़ना। नाउ ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड चिल्ड्रन। ओके, यस आदिल, व्हाट हैपेंड? धोबी मीन्स जो कपड़ा धोते हैं उसे धोबी कहते हैं, जो लड़का कपड़ा कपड़े धोते हैं लड़के उसे धोबी कहते हैं, लेकिन जो स्त्री धो कपड़ा धोती है उसे धोबिन कहते हैं, ठीक है, जो पुरुष